राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार से दो दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन होगा। इन्वेस्ट राजस्थान समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस समिट का उद्घाटन करेंगे। सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट की थीम कमिटेड डिलीवर्ड रखी गई है। राज्य सरकार ने इस समिट के जरिए 10 लाख करोड़ के इन्वेस्ट का लक्ष्य रखा है। अब तक 10.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रपोजल सरकार को मिल चुके हैं। JECC कैंपस में होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। विभाग के आला अधिकारियों ने बुधवार को कैंपस का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस समिट में देश विदेश के मशहूर उद्योगपतियों के साथ हाई प्रोफाइल डेलीगेट भी शिरकत करेंगे। सरकार द्वारा 10.44 लाख करोड़ रुपए के 4192 MOU और LOI हस्ताक्षरित किए गए। इनमें से 1680 MOU और LOI क्रियान्वित या क्रियान्वयन के चरण में हैं, जो कि लगभग 40% हैं। कुछ प्रमुख MOU LOI का शिलान्यास और उद्घाटन इन्वेस्ट राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र में किया जाएगा। समिट में 7 अक्टूबर को उद्घाटन सत्र के बाद NRR पर्यटन स्टार्टअप फ्यूचर रेडी सेक्टर एग्री बिजनेस पर समानांतर सेक्टोरल कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। दूसरे दिन 8 अक्टूबर को MSME कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र को और अधिक विकसित किए जाने एवं इस क्षेत्र में उपलब्ध नई निवेश संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दशरथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का शुक्रवार से आगाज हो रहा है, क्या कुछ इसका लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, कल से इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आगाज होगा, शुभारंभ होगा, दो दिन की समिट होगी जी। और राजस्थान में निवेश के अवसर कैसे बढ़े, निवेश कैसे आए, इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स आएंगे और 10,000 करोड़ से ज्यादा के MOU LOI में साइन हुए थे पहले जिन कंपनियों के साथ। तो कल उस पर एक विधिवत जो मोहर है वो सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि 40 से 50% भी MOU जो है वो अगर धरातल पर उतरते हैं तो प्रदेश के राजस्व ही नहीं बल्कि यहाँ रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और ये प्रदेश के लिए हितकारी साबित होगा। उसी के संदर्भ में आज जो बड़े उद्योगपति जयपुर में आएंगे शाम को, उनके लिए मुख्यमंत्री निवास पर डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से डिनर दिया जाएगा और दो दिवसीय समिट जो है वो कल से सीतापुरा के JECC सभागार में शुरू हुई। भानु, 10.44 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य रखा गया है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो लक्ष्य है, क्या ये पूरा हो पाएगा इस इन्वेस्ट राजस्थान समिट में? देखो, लक्ष्य जो रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर 40 से 50% भी निवेश आता तो राजनीति हितकारी होगा जी। लक्ष्य जरूर रखा गया है, सरकार की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए। हालांकि कुछ MOU LOI पहले ही साइन हो गए थे, उनका काम शुरू हो गया, जमीन आवंटित इन उद्योगपतियों को हो गई, सरकारी स्तर पर काम भी शुरू हो गया, जो प्लांट लगने थे उनका काम शुरू हुआ था। निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर निवेश आएगा तो वो यहाँ का राजस्व बढ़ाएगा सरकार का, और सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर